आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिव्यांग है और जिस तरह से परेशान होकर आज ये लोग भी जंतर मंतर पर खड़े हैं और अपनी उचित मांगों को रख रहे हैं। इनको जो सुविधा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है उसको, और ज़िंदगी के कई कठिनाइयों से गुजरने के बावजूद ये जो एक कठिनाइयाँ इनको समाज में झेलनी पड़ रही है ये एक अलादा है उससे। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने शब्दों में बदलाव किया, विकलांग के जगह दिव्यांग दिया, तो उनका व्यावहारिक रूप देखने को मिलो। केवल शब्दों में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें ये देखना होगा कि हम उस विश्वास की कड़ी में हैं अथवा नहीं। मैं बाकी बिहारी आई जॉब से, हमें तो नाम तो दे दिया गया दिव्यांग है, लेकिन सच्चाई यह है कि नाम तो दिया गया लेकिन काम उसके विपरीत चल रहा है। सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो हमें जो दिव्यांग शब्द दिया है, हम दिव्यांग नहीं है। जो लोग हमें दिव्यांग समझते हैं, हम केवल देख ही नहीं सकते, बाकी हम हर सब कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वीटी कुमारी और मेरा आज के दिन में मांग यही है कि जैसे जो भी पोस्टें आती है तो उसमें सीटें होती है कुछ, और जब रिजल्ट आउट होते होते या मेडिकल तक वो सीटें कम हो जाती है, तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो ऐसी रेल मंत्रालय में ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारी रेलवे मंत्रालय से ये शिकायत थी, उन्होंने 2018 में 62,900 पद की वैकेंसी निकाली थी, उसके हिसाब से हम लोगों का 1% रिजर्वेशन के अनुसार 629 पोस्ट बनना था, तो इस जो हमारी 629 पोस्ट बनती है उसे दिया जाए, उसमें काफ़ी कम संख्या में इन्होंने दिया और जैसे तैसे दिया है। जैसे यातायात में सुविधा, नौकरियों में मतलब आरक्षण जो हमें दी जाती है वो मतलब पूरी दी जाए, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल में रिजल्ट हुआ, जो हमारा सीट था उसमें से कुछ सीटें नहीं मिल पाई है हम जैसे दिव्यांग को, तो ये सब सरकार से हमारी अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए। और सर हम ये चाहते हैं कि जैसे केजरीवाल महिलाओं के लिए आरक्षण मतलब फीस माफ़ कर रही है मेट्रो में, तो उस तरीके से क्या विकलांगों के लिए नहीं होने चाहिए? विकलांगों के लिए भी ये सुविधा मिलनी चाहिए फीस। आप तो महिला है तो आपका तो फ्री हो जाएगा, लेकिन इनके कहने का मतलब है ये तो महिला है लेकिन और जो साथी इनके हैं ये पूरे विकलांग समाज की बात कर रही है जो दिल्ली में है, उन सबका भी मेट्रो फ्री होना चाहिए, इन्होंने केजरीवाल से ये डिमांड रखा है। हमारे जो विकलांग, हर एक ट्रेन में पहले विकलांग डब्बा हुआ करता था, उसे हटा लिया गया है, पुनः उस विकलांग डब्बा को हर एक ट्रेन में दिया जाए जिससे गरीब दिव्यांग जो हैं वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर सकें। जो भी स्टेशन आता है तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा स्टेशन आया है, अनाउंसमेंट होता है पर हम कभी सुन नहीं पाते क्योंकि ट्रेन का डब्बा कहाँ है और अनाउंसमेंट कहाँ हो रहा है, इस वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टेशन आए तो ट्रेन में ऐसा सुविधा होना चाहिए जिससे हमें स्टेशन का पता चल जाए कि हाँ ये स्टेशन आ रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेशन वो है, ऐसा होना चाहिए जैसे मेट्रो में सेम। वो राजधानी शताब्दी में कंसेशन है, उसमें और अधिक रिबेट दी जाए, जैसे स्वतंत्रता सेनानी आदि लोगों को जितना अधिक रिबेट दिया जा रहा है उतना ही दिया जाए। जैसे 2015 में एक विशेष भर्ती अभियान रेलवे के द्वारा चलाया गया था जिसमें हमारे अनेक पद थे और पर्याप्त जितने पद बनते थे वो पूरे पद हमें नहीं दिए गए। रेलवे यात्रा में हम लोगों के लिए बहुत कम सीट रिजर्वेशन के लिए प्रोविजन किया गया है, तो अब 750-800 स्लीपर की सीट है जिसमें से दिव्यांग लोगों के लिए मात्र 4 बर्थ दिया गया है, मात्र चार। मेट्रो स्टेशन में जो गार्ड होते हैं हमें मेट्रो में बिठाने के लिए रहते हैं, वैसे ही रेलवे स्टेशन में भी होना चाहिए। जैसे हमें जिस प्लेटफॉर्म में जाना है, कौन सी ट्रेन लेनी है, तो हमारे मदद के लिए ऐसे गार्ड वहाँ होना चाहिए। अगर हम हैं तो जिस तरह से आप देखते हैं माइनॉरिटी के लिए, ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सभी लोग मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन बड़े गंभीर चिंता के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लिए देश के संसद में आवाज़ नहीं उठती है। तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी संवेदनशील
हैं और रेल विभाग में जो सीटें बनती हैं वो भी बनती हैं, हमारे पूरी करें। उसी तरह एसी थ्री टायर में लगभग हर एक ट्रेन में 250 बर्थ होता है, हम लोगों के लिए मात्र 4 बर्थ वो दिया गया है। तो हमारी डिमांड है कि कम से कम 20-20 बर्थ दोनों में दिया जाए, जिससे हम लोग टिकट लेकर के जो एक्सेसिबल इंडिया की कल्पना है सुगम्य भारत की, दिव्यांग जन सुगम्य तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सके रेलवे के माध्यम से। बट हर तरह से लोग उसके बावजूद अगर हम कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज कौन सा स्टेशन है, तो लोग हर तरह से प्रश्न करते हैं कि आपको दिखता नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि सरकार जैसे मेट्रो में सुविधाएं दी गई हैं ब्लाइंड के लिए, उसी तरह से हमारे लिए सुविधाएं, चाहे वो मेट्रो में तो दी ही गई है, बस हो, बस स्टॉप हो या ट्रेन हो, हमारे लिए सुविधाएं देना चाहिए सरकार को। कि जुलाई जुलाई के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम आगे और भी इससे विराट प्रदर्शन करेंगे। मात्र 4 सीटें कह रहे हैं, 750-800 सीटों में मात्र 4 सीटें, तो ये काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जो इनकी मांगे हैं वो काफ़ी जायज़ हैं और होना भी चाहिए इन लोगों के लिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरी समस्या है कि ए और बी में हमारा रिजर्वेशन जैसे सिविल सर्विस में है, तो रेलवे में भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो। और डायरेक्टर महोदय ने ये बात कही कि देखिए 3-4 साथी आपके लगे हैं, हमने कहा पूरे देश में सिर्फ 3-4 लोग ही लगे, तो उन्होंने कहा जो और पद आपके बाकी हैं तो वो वैकेंसीज मैं यूपीएससी को हैंड ओवर करूँगा और उसके अंतर्गत यूपीएससी प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। रेलवे में जैसे मेट्रो में है तो कहीं उतरना है तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें टॉक्स बोलता है, बट अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमें किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ता है, वहाँ पे कैसे लोग मिले ये तो हम नहीं पहचान सकते हैं। ई कार्ड की भी समस्या है, ई कार्ड हर स्टेशन यहाँ डीआरएम ऑफिस में बनता है, जो दूर दूर से लोग आते हैं परेशान होते हैं, हम चाहते हैं कि हर स्टेशन पे बने। और ब्रेल पट्टियाँ लगाई जाए जिससे हमें पता चल जाए, हाँ ब्रेल में लिखी हुई पट्टियाँ लगाई जाए जिससे बोगी पे तो ये पता चाहिए S1 है, S2 है, S3 है। दिव्यांगता का सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए, जीवन जीने का आधार होना चाहिए, पेट भरने के लिए नाम से नहीं भरता। और विकलांग कोच में CCTV कैमरा, क्योंकि पुलिस जो है सामान्य लोगों को पैसा लेकर उसमें भर देती है और हमें यहाँ तक कि टॉयलेट तक अगर हम जाना चाहें तो बहुत मुश्किल होता, हम आसानी से जा नहीं सकते और जो शारीरिक विकलांग है वो पैर भी नहीं फैला के बैठ सकते, तो इस प्रकार से अनेक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि जो इनकी एक बहुत ही जायज मांगे हैं कि जो ब्रेल की लिपि में ब्रेल पट्टियां सब कोच पे लिखा हो ताकि ये उसको पढ़ सकें और किसी की मोहताज ना रहें, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो विकलांग की जो बॉगीज हैं उस पर CCTV कैमरा होना चाहिए कि किस तरह से वहां पे ये, जैसा ये कह रहे हैं कि पुलिस पैसा लेके और वहां पे नॉर्मल आदमी को भर देते हैं, इनको जगह नहीं मिल पाती है, ये वहां पे टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, तो काफ़ी जायज़ मांगे हैं इनकी। निजी तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री जी को निर्देश दें कि इनको पूरा किया जाए और घालमेल की स्थिति ना बने जिससे कि संदेह का वातावरण पैदा होता है। विकलांग को दिव्यांग तो आपने कह दिया, नाम नया दे दिया, शब्दावली चेंज तो कर दी, सुविधाएं के नाम पे सब चीज़ें वहीं की वहीं हैं, जो समस्याएं हैं इनकी वो वहीं की वहीं है। आप अगर रेलवे में देखेंगे तो हमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है, हम दिव्यांगों को, हम विजुअली चैलेंज को, और उसके बाद हमें जैसे आरक्षण दिया गया है उस तरह से सरकार हमें आरक्षण भी नहीं दे रही है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं, जैसा ये कह रही हैं कि मेट्रो में तो चलिए अनाउंसमेंट सिस्टम है, ये सुन के उतर सकती हैं उस स्टेशन पे, वहीं अगर हम नॉर्मल रेलवे की बात करें, जब ये रेलवे में सफ़र करती है जहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं है, कौन सा स्टेशन आया इनको नहीं पता, तो इनको डिपेंड रहना पड़ता है अपने कोई भी सहयात्री हो, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। परीक्षाओं में जो विकलांगों के साथ बर्ताव किया जाता है, दिव्यांगों के साथ किया जाता है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं सरकार SC ST और अन्य कोटे के जो लोग होते हैं वो अगर जनरल कैटेगरी में अपने मार्क्स ले आते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाता है, और ये प्रक्रिया दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं होती है, वो रेलवे में भी अभी भी नहीं हुई और पिछले समय में भी नहीं हो रही है। तो ये कह रही हैं कि ये सुविधा रेलवे में भी होना चाहिए, पहली डिमांड की अनाउंसमेंट सिस्टम रेलवे में भी होना चाहिए दिव्यांगों के लिए। दूसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड इन्होंने रखा
कि ब्रेल लिपि जो ब्रेल के तहत ये खुद टटोल के समझ सकती हैं, पढ़ सकती हैं उसको कि आखिर ये कोच नंबर क्या है, किस कोच में इनको बैठना है, तो ये एक बहुत ही दो महत्वपूर्ण इन्होंने अपनी मांगे रखी है जो जायज है। वो उसको जो अगर जनरल कैटेगरी में पास हो रहे हैं उनको जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। दूसरी चीज हम बात करते हैं, भारत पूरी सरकार बात करती है एक्सेसिबल इंडिया की, यानी सुगम्य भारत की, तो सुगम्यता कैसे आएगी? रेलवे तो हम जाते हैं प्लेटफॉर्म पता लगता है कितना गहरा है कि हमको कहीं कोई साउंड सिस्टम ना लगा है, ना कैसे लगा है, हम कैसे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, या कुछ जैसे मेट्रो में हमारे वो बना होता है एक पहचान चिन्ह बना होता है उसके तहत हम जा सकते हैं। जब प्राइवेट सिस्टम इतना सब कुछ करके हमें इतनी सुविधाएं दे सकता है तो ये सरकारी तंत्र क्या है? सरकारी तंत्र एक तरह कहता है हम सबको लेकर के चल रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मेट्रो में है बोलने वाला सिस्टम, तो उन्होंने सही कहा कि ट्रेन में भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं अकेले यात्रा करते हैं तो उसमें हर एक तरीके के लोग होते हैं, कोई कैसा भी बिहेव कर सकता है, तो अगर उसमें टॉक होगा, अनाउंसमेंट होगी, तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी। जैसे मेट्रो में हमें सुरक्षा गार्ड मिलता है, तो उसी तरीके से कुछ रेलवे स्टेशन में भी होना चाहिए। स्टेशन के बाहर से रोड जो बने होते हैं उन पे भी कोई सुविधाएं नहीं होती, देखने वाला तो देख के किनारे से निकल जाता है। स्टेशन के अंदर हम प्लेटफॉर्म पे कैसे जाएं, क्या करें, प्लेटफॉर्म पे हमारा दिव्यांग कोच कहाँ पे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, कोई सुविधा नहीं होती। हम चाहते हैं कि दिव्यांग कोच कहाँ पे आएगा, पहली बात तो दिव्यांग कोच के बीच में लगा होना चाहिए ट्रेन के, दूसरी चीज दिव्यांग कोच जहाँ पर आए ट्रेन का वहाँ पे, जैसे कि मुंबई लोकल ट्रेन चलती है उसमें एक साउंड सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे दिव्यांग कोच आके रुकता है बिल्कुल, तो किसी भी प्रकार की दृष्टिबाधितों को ये समस्या नहीं होती है कि हम वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएंगे जहाँ पे वो साउंड सिस्टम बज रहा है। जो सफर के दौरान इनकी तकलीफें हैं और जो नौकरी की बात है दिव्यांगों की, उसके ऊपर आज ये लोग इकट्ठे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान देगी और जल्दी इनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।